नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवड़ा दतिया में वैक्सीनेशन का कार्य प्रगति पर है। आपको बता दें, एएनएम ममता प्रजापति, सीएचओ अमित चंद्र झा, संतराम जाटा, वार्ड बीएलओ की संयुक्त टीम ने वार्ड 6 और 5 में घूमकर वैक्सीनेशन का ध्यान रखते हुए वैक्सीनेशन लगाने का काम कर रहे। केवल इतना ही नहीं, उत्कृष्ट विद्यालय में 68 लगभग वैक्सीन लगाई गई है। उसके बाद भी वैक्सीन लगाने का कार्य प्रगति पर रहा। सर, किसे गए की निवासी हो? सेवड़ा वार्ड क्रमांक 6। अच्छा, जो अभी आपने वैक्सीन लगवाई है तो कौन सा डोज था? ये सेकंड डोज था, कोविडशील्ड सेकंड डोज। तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैडम, कितने लोगों ने अभी यहाँ पर वैक्सीन लगवा ली होगी? अभी 67 लोगों ने। अच्छा, और बाढ़ में भी घूम करके भी लगा रहे हैं? जहाँ ऐसे स्कूल में लगा, मंदिर पे जा के लगा। जी, 67 लोग सेकंड के फर्स्ट दोनों। अच्छा, कोई जैसे फ़ोन कर देता है तो वहाँ भी अपने को जाना पड़ता है कि वहीं 10-15 लोग खड़े हैं यहाँ पर? जी। और सर, शुभ नाम बताएँ? सर अमित चंद। जी सर, आप थोड़ा सा ये डिटेल्स बताएं वैक्सीन के बारे में। और लोग बाग कई लोग अभी भी जो है ना घबराते हैं वैक्सीन लगवाने में, तो सर इसके लिए आप क्या कहेंगे? वैक्सीन एक्चुअली में सबको लगवाना चाहिए जी, क्योंकि जब तीसरी जब सेकंड वेव जो है सबने देखी थी, तो उसमें कितना हड़कंप मचा था, सब लोग बीमार थे, पर लोग बाग बताना नहीं चाह रहे थे। अभी क्या है कि तीसरी लहर जो आने वाली है उससे बचने के लिए या फिर गंभीर बीमारी होने से हम वैक्सीन से ही बच सकते हैं। अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो क्या है कि हमें थोड़ी वो मिल जाएगी। सर, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप बाड़ों में जाते हो तो क्या आपको मौका मिलता है इस तरीके की लोगों को समझाइश देने की? नहीं, कहीं कहीं पे मिलता है कि हम अपनी पूरी बातें उनको बता पाते हैं, कहीं कहीं पे इतनी भीड़ होती है कि सारी बातें नहीं बता पाते। केवल अपना वैक्सीन से रिलेटेड पूछते हैं और बस लगाते हैं। तो आप मैसेज करते हैं? जी हाँ, सारा ऑनलाइन करते हैं हम। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ टोटली ऑनलाइन करते हैं। तो ये मैडम का क्या नाम है आपके साथ जो है ना? ये मैडम है, ममता कुमार नाम है इनका, एएनएम है। अच्छा, सिस्टर आई है।